अच्छा बस ये भी हो चुके हैं तो बस इसको आप डिश आउट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, लंदन स्पाइस किचन में आप सबको वेलकम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पकौड़ा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। अच्छा ये मैंने चिकन का दो ब्रेस्ट पीस लिए बड़े साइज के और उसके मैंने कैंची के साथ इतना ऐसे ऐसे मैंने लंबाई में काट दिए इसी तरह। ये देखें इसी तरह मैंने काटे। अब इसके अंदर जो है ना हम डालेंगे एक टेबलस्पून नमक डालेंगे, इसके अंदर एक टीस्पून हम डालेंगे, इसके अंदर लहसुन अदरक नहीं डालेंगे, ये कुटी हुई मिर्चें ये एक टेबलस्पून डालेंगे, दो टेबलस्पून हम धनिया डालेंगे क्रश धनिया सूखा। अच्छा ये है कश्मीरी लाल मिर्चें, ये कलर के लिए बहुत खूबसूरत लगेगा, ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छा ये कुटे हुए जीरे ये डालेंगे एक टेबलस्पून। अच्छा और ये प्याज है, प्याज को मैंने यूं करके देखे काटे लंबाई में बारीक बारीक, ये जो है कि इसके अंदर ठीक हो गए। अच्छा और ये आलू है, ये देखे आलू को मैंने इसी तरह जो है ना लंबाई में काटे हुए, जैसे प्याज को मैंने कटिंग की है इसी तरह आलू को भी मैंने काटे। अच्छा ये इसके अंदर डालेंगे। अच्छा और इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया डालेंगे, ठीक हो गए। अच्छा और एक हम डालेंगे इसके अंदर लेमन, ठीक। अच्छा इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे, ठीक हो गए। अच्छा अब इसके अंदर हम जो है ना 4 चम्मच बड़े चम्मच टेबलस्पून ये बेसन हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक हो गए। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद हमने 10-15 मिनट के लिए इसको रखने, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना मैरिनेट हो जाए 10 या 15 मिनट, ठीक है। ज़्यादा हमने बेसन नहीं डालने, जितना इतना बेसन डालने जिससे बस ये जो है ना हम यूं करके ना बस इस तरह मुट्ठी बने और ताकि हम जो है ना इसको फिर फ्राई करें, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसन हम और डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून और डालेंगे बेसन, काम था बेसन, ठीक हो गए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ओके। ऑयल हमारा गरम हो चुका है तो बस इसके अंदर हम डालेंगे। आप छोटे छोटे साइज के भी बना सकते हैं, बड़े बड़े साइज के भी बना सकते हैं। मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ, आप जो है ना कोई स्पून वगैरह भी यूज कर सकते हैं। फ्लेम आप लोगों ने आहिस्ता रखनी है, ये ना जो
आलू पॉलिची और चिकन जो है ना वो कच्ची ना रह जाए, तो मीडियम पे आप लोगों ने रखने फ्लेम। अच्छा ये हो चुके, इसको निकाल लेते हैं। और डाल लेते हैं इसके अंदर, अच्छा बस ये भी हो चुके हैं, तो बस इसको अब डिश आउट करते हैं। बन चुके चिकन टिक्का पकौड़ा बन चुके, आप लोग भी सेम इसी रेसिपी से बनाएं और खाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।